हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। राइट, देखिए थोड़ा सा कांसेप्ट नया है, आपने अभी तक ऐसा नहीं सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी कई सारे टाइप्स हमें देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डिफरेंट टाइप की जो भी वीडियोस देखना चाहते हो केमिकल काइनेटिक्स को लेकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था वो था 2.303 / t log a नॉट / a log a नॉट / a। राइट, ये फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ के आए थे और इसके ऊपर हमने कई सारे ग्राफ भी सॉल्व किए हैं और कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। बट अब हमारे पास क्या नया फैक्टर आता है, अब हमारे पास नया फैक्टर ये आता है कि अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी हो, अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी हो। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो ए नोट है इसको मैं मान लीजिए सी वन कह लेता हूँ और ए को मैं सी टू कह लेता हूँ, यानी कि सी वन का क्या मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है और सी टू का क्या मतलब हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट हो गई। राइट, अगर मान लीजिए मुझे आपके पास क्या कहा जाए, मुझे कहा जाए कि आपके पास जो है एक t is equal to t नोट पे जो आपके पास t is equal to t नोट पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो है c1, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तब कंसंट्रेशन है c1 और t is equal to t पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो है c2। या फिर मान लीजिए मुझे कहा जाए, या फिर मुझे क्या कहा जाए कि आपके पास कोई भी एक रैंडम टाइम ले लिया, दो मिनट पे आपकी कंसंट्रेशन है मान लीजिए सी वन और पांच मिनट पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो है सी टू। अब बताइए रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू देखने को मिलेगी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये तो मेरे पास जीरो हो जाता है। आपको होता क्या है हमारे पास यहाँ पे जो टी लिखते हैं ना, टी क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ए नोट बाय ए था, ए नोट का क्या मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी। और किस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, टाइम जब जीरो होता है, यानी कि जब हमने अभी चीजों को मिक्स ही नहीं किया तब मेरे पास। राइट, तो मेरे पास इसी वजह से जो टी नोट होता है ये तो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। जो T नोट T0 है वो तो मेरे पास जीरो बन जाता है और यहाँ पर जो टाइम होता है वो ये वाला टाइम आ जाता है। राइट, अब देखिए अब दिक्कत क्या हुई, अब दिक्कत ये हुई कि अब मुझे ये नहीं कहा कि आपके पास आपने जो रिएक्शन ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करी है वो शुरू से ऑब्जर्व करी है। अब हमें कहा कि भैया एक टाइम था दो मिनट पे उसमें कंसंट्रेशन सी वन थी और एक टाइम था पांच मिनट उस पे कंसंट्रेशन थी सी टू। अब बताइए क्या कंसंट्रेशन, अब आपके पास रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू देखने को मिलेगी। अब हमारे पास दो दो टाइम है, अब यहाँ पे टी नहीं रख सकते हम, क्यों, क्योंकि अब की बार मेरे पास जो इनिशियल टाइम है वो जीरो नहीं है, अब की बार इनिशियल टाइम मुझे कुछ दे रखा है तो इस टाइम पे आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। क्या ये बन जाएगा 2.303 / t2 - t1, ये क्या बन जाएगा t2 - t1, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम log c1 / c2, यानी कि t1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी डिवाइड बाय t2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी। अब देखिए ये जब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें क्या होता है a नोट दे रखा है, a नोट का क्या मतलब है, a नोट का मतलब है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम जीरो होता है, तो मेरे पास t1 जीरो हो जाता है और ये टाइम खाली t2 बचता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, लेकिन अब हमें दो अलग अलग टाइम दिए गए हैं तो अब हमें दोनों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे t2 - t1 कर दोगे, बाकी सारा का सारा कांसेप्ट यही है। ये तो था हमारे पास पहला कांसेप्ट, ये था हमारे पास दूसरा कांसेप्ट, दो टाइप के कांसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए तीसरा कांसेप्ट हमारे पास क्या आता है, तीसरा कांसेप्ट हमारे पास क्या आता है, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें मुझे कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, उसमें मुझे कह रखा है इनिशियल रेट इतना है फाइनल रेट इतना है, यानी कि मुझे क्या कह रखी है r1 एंड r2 की वैल्यू दे रखी है, आपकी बार मुझे R1 एंड R2 की वैल्यू दे रखी है मुझे कि R1 इतना है R2 इतना है, बताइए रेट कांस्टेंट क्या देखने को मिलेगा। अब क्या करें, अब तो हमारे पास कंसंट्रेशन है ही नहीं, चलो ठीक है A नोट और A नहीं दी होती, कोई कंसंट्रेशन दी होती कुछ कुछ टाइम दिया होता तो हमने नया फॉर्मूला निकाल लिया था, लेकिन अब की बात तो मुझे क्या दे दिया, ये दोनों ही नहीं दी, इसी जगह क्या देते रेट दे दिया। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने जैसे कि बताया इसी से बहुत सारे नए फॉर्मूलास डिराइव हो रहे हैं। तो होगा क्या, हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो रेट होता है वो k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेश्यो पावर 1 के इक्वल होता है। राइट,
अब देखिए जो R1 है वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास R1 इक्वल होगा K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1, यानी C1 लगा लीजिए कि R1 पे कंसंट्रेशन C1 थी तो मेरा रेट क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे पास, और R2 पे जो कंसंट्रेशन थी वो C2 थी तो क्या बन जाएगा K C2। अब मेरे पास देखिए अगर मैं क्या करूं K को हटा दूं, अगर मैं क्या करूं K को हटा दूं तो मेरे पास जो C1 है वो R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो C2 है वो R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं कैसे डिराइव कर सकता हूं, ये बन जाएगा K = 2.303/T2 - T1 अगर दोनों के रेट अलग अलग टाइम पे दे रखे हैं तो log log R1/R2, ठीक है, क्योंकि C1 मेरे पास R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C2 मेरे पास R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम C1/C2 को क्या लिख सकते हैं, C1/C2 को हम R1/R2 लिख सकते हैं, क्या करो इन दोनों को जो है डिवाइड कर दो तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 जो है C1/C2 के इक्वल हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया नया फॉर्मूला बन गया। नया फॉर्मूले में क्या हुआ ये कि मेरे पास C1/C2 को हम R1/R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट कहां पे यूज होता है, रेडियो एक्टिव हमारे पास जो चैप्टर है उसमें हमें कंसंट्रेशन नहीं दी होती, इनिशियल रेट एंड फाइनल रेट ही दिया होता है, तो आप क्या करोगे C1/C2 या A0/A को हटा के R1/R2 भी यहां पर लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो एक और नया टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट। देखिए तीन टाइप के अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ ली है, एक में हमारे पास जब इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब की कंसंट्रेशन लेते हैं, और एक टाइम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही कंसंट्रेशन लेते हैं। दूसरे में हमने देख लिया कि दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं, और तीसरे में हमने देख लिया क्या कि हमारे पास रेट दे रखा हो कंसंट्रेशन ना दे रखा हो। अब देखिए फोर्थ हमारे पास क्या बन सकता है, फोर्थ टाइप का क्या बन सकता है हमारे पास, मान लीजिए मुझे कहा जाए एक रिएक्शन है जो कि 52 काउंट पूरे कर रही है 3 मिनट में, एक रिएक्शन जो है वो 52 काउंट पूरे कर रही है 3 मिनट में, एक दूसरी रिएक्शन वही रिएक्शन जो है हमारे पास 22 काउंट पूरे कर रही है 2 मिनट में। अब हमसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, अब सॉरी रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन बताओ, अब हमसे क्या पूछा गया है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन बताओ। अब देखिए सबसे पहले तो मेरे पास जो यहां से रेट आ रहा है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ना K = 2.303/T log R1/R2, ये लगा सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन तो दिया नहीं हुआ, रेट दिया हुआ है, ये एक पहला रेट है ये दूसरा रेट है, लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है, दोनों में दिक्कत ये है कि दोनों में अलग अलग टाइमिंग दे रखी है, हमें रेट जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से निकलना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग काउंट्स पूरे कर रहे हैं हम पर मिनट के हिसाब से निकाल लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा मेरे पास, तो अगर ये 3 मिनट में 52 राउंड पूरे कर रही है तो 1 मिनट में कितने राउंड पूरे करेगी 52/3, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 52/3 3 7 21 52, ओके 54 ले लो, चलो इसे थोड़ा एक काम करो 54 ले लो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा हमारे पास, तो R1 तो बन जाएगा 18, ठीक है, और ये 24 काउंट पूरे करके 2 मिनट में यानी कि 1 मिनट में कितने करेगी 12, तो यहां पे तो आ जाएगा मेरे पास 18 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 12, लोग हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियोस ऐसी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मुझे मैसेज भी ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।